cineinc.com. मुझे पुकारती हुई पुकार खो गई कहीं, आज भी नवीन प्रेरणा यहाँ न मर सकी, न जी सकी, परंतु वह न डर सकी। मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ हर कुछ वर्षों के अंतराल के बाद पुकारती हैं, याद दिलाती हैं कि हिंदी साहित्य में मुक्तिबोध के योगदान की पुनर्समीक्षा की अनिवार्यता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सन 2017 मुक्तिबोध की जन्मशती का वर्ष है। भारत में कई गोष्ठियां हो रही हैं। उनकी रचनाओं पर आज के संदर्भों, मौजूदा राजनीतिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में पुनर्विचार हो रहा है। और बात सिर्फ औपचारिकता निभाने की नहीं, क्योंकि कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में मुक्तिबोध की कविता हमारी बातें हम ही को सुनाती है और हम अपने को चकित होकर देखने लगते हैं और पहले से और भी अधिक पहचानने लगते हैं। शायद आज इस आत्मपरिचय और आत्ममंथन की ज़रूरत हमें पहले से कहीं ज़्यादा है। मुक्तिबोध कहते हैं, जितने भी हल हैं प्रश्नों के, वे हल जीने के पूर्व मरे, उनके प्रेतों के आसपास दार्शनिक दुखों की गिद्ध सभा, आंखों में काले प्रश्न भरे बैठी गुमसुम। 1917 में मुक्तिबोध का जन्म हुआ और 64 में निधन। अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने भारत और विश्व का एक लंबा रक्त रंजित अध्याय देखा। यूरोप में फासिस्ट शक्तियों का उदय, स्पेन का गृह युद्ध, पूंजीवाद का प्रसार, भारत में दमनकारी अंग्रेजी शासन, आज़ादी का संघर्ष, सत्याग्रह और सामंती तथा सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएं। आज़ादी के बाद के मोहभंग और विखंडित होती मूल्य व्यवस्था के भी वे साक्षी रहे। इस सब के बीच मध्य वर्ग के दैनिक संघर्ष और मजदूरों की दुर्दशा भी उन्होंने नज़दीक से देखी। गांधीवाद से मार्क्सवाद की ओर उन्मुख होते हुए मुक्तिबोध ने बालजाक, दोस्तोयेवस्की, टॉलस्टॉय और गोर्की जैसे लेखकों की पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन तमाम प्रभावों को ग्रहण करने के बावजूद वो किसी एक वाद या एक खेमे की छाया में नहीं रहे। अपने मूल्य उन्होंने स्वयं गढ़े। शायद यही कारण है कि उनकी कविताओं की व्याख्या सबने अपने अपने काव्यात्मक मानदंडों के अनुसार की है। वामपंथियों और कलावादियों ने अपने अपने सैद्धांतिक उपकरणों के सहारे इन कविताओं के दुरूह जटिल संसार को समझने की कोशिश की है। वामपंथी मानते हैं कि मुक्तिबोध को समझने के लिए मार्क्सवादी विचारधारा को समझना जरूरी है, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध के पहले कविता संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका में कहा है, मुक्तिबोध ने छायावाद की सीमाएं लांघकर प्रगतिवाद से मार्क्सवादी दर्शन ले प्रयोगवाद के अधिकांश हथियार संभाल और उसकी स्वतंत्रता को महसूस कर स्वतंत्र कवि रूप से सब वादों और पार्टियों से ऊपर उठकर निराला की सुथरी और खुली मानवतावादी परंपरा को आगे बढ़ाया। मुक्तिबोध की पंक्तियां हैं, मैं अपनी सार्थकता से खिन्न हूं, विष से अप्रसन्न हूं, इसलिए कि जो है उससे बेहतर चाहिए, पूरी दुनिया साफ करने के लिए मेहतर चाहिए, वो मेहतर मैं हो नहीं पाता। क्या फिर ब्रह्म राक्षस कविता में कहते हैं, गहन अनुमानिता तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस खिस रहा है देह। मुक्तिबोध की कविताओं का प्रतीक और बिंब संसार एक अजब दुरूह संसार है। उनके प्रतीक और बिंब अमूर्त होते हुए भी मूर्त हैं, जैसे कोई चित्रकथा हो। कई समीक्षक मानते हैं कि उनके ये बिंब जासूसी और विज्ञान कथाओं का सा माहौल बनाते हैं। यहाँ कोई गहरा षड्यंत्र है, कोई छिपा हुआ रहस्य है, सूने सूने खंडहर हैं, टीले हैं, गुफाएं हैं, तल तक जाती सीढ़ियां हैं, दिमागी ओरांग उटांग है, कोई परित्यक्त सूनी बावड़ी है और बावड़ी में नीचे छिपा बैठा ब्रह्म राक्षस। यह ब्रह्म राक्षस उनकी कई कविताओं में मौजूद है अंतर्मन के रूप में। बकौल कवि अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध की कविता के तीन बीज शब्द हैं, आत्मसंघर्ष, अंतःकरण, आत्माभियोग। मुक्तिबोध कहते हैं, सूखता न मैं, बनता न ठूंठ,
यदि पत्राच्छत आश्रित रखता सबको समान। आत्मबोध, आत्मविश्लेषण मुक्ति बोध के यहाँ बार बार दिखाई देते हैं। एक और कविता की पंक्तियाँ हैं, स्वार्थ सफलता के पहाड़ी ढाल पर चढ़ती है हाँपती आत्मा की कुतिया। अंधेरे में कविता में यह आत्माधिकार का स्वर एक पागल की जुबानी और मुखर है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम। मगर समझने की बात यह है कि मुक्तिबोध जिस आत्माभियोग की बात करते हैं वो समूचे बुद्धिजीवी वर्ग का दायित्व बन जाता है। वे समाज, सत्ता और राष्ट्र के बीच बौद्धिक जिम्मेदारी का प्रश्न उठाते हैं। अंधेरे में उनकी लंबी कविता है जिसमें बुद्धिजीवी और लेखक को खुली चुनौती है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब। अंधेरे में कविता को कवि और समालोचक निश्चय ही हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण कृति मानते हैं, जिसमें मुक्तिबोध ने कथ्य और शिल्प के सारे गढ़ तोड़ डाले। किसी ने उसे फैंटसी कहा है तो किसी ने स्वप्न कथा। किसी की नज़र में वो साहित्यिक अस्मिता की खोज है तो किसी की दृष्टि में स्वाधीनता से पहले और बाद देश के आधुनिक जन इतिहास का इस्पाती दस्तावेज। किसी ने उसे पिकासो की काव्यात्मक गुयर्निका की संज्ञा दी तो किसी ने खंडित रामायण की। शायद अंधेरे में कविता इन सब का मिश्रण है या इनमें से कुछ भी नहीं। शायद वो सिर्फ पिछली सदी से लेकर इस सदी तक अनवरत गूंजती हुई एक निर्बाध पुकार है जो तब भी प्रासंगिक थी और आज भी है। बस उसे सुनने वाले कान चाहिए। मुक्तिबोध ने इस कविता में न सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए बल्कि अपने समय पर बेबाक टिप्पणी भी की। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल में ये सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग नपुंसक भोग शिरा जाल में उलझे। 2014 में अंधेरे में कविता की 50वीं वर्षगांठ थी। ये वर्ष उनकी पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति के प्रकाशन की अर्धशती का वर्ष भी था। इस पुस्तक को तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। 1963 में अदालत ने पुस्तक के प्रतिबंधित अंश निकालकर प्रकाशन की अनुमति दे दी। लेकिन मुक्तिबोध को सर्वाधिक आघात इस बात का लगा कि पुस्तक का विरोध करने वालों में वामपंथी भी शामिल थे। उनकी कविता भूल गलती की पंक्तियां हैं। वो कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अलगजाली इब्ने सिन्ना अलबरूनी, आलिमो फाजिल सिपह सालार, सब सरदार हैं खामोश। सत्ता और लेखक का परस्पर टकराव हर युग में हर जगह रहा। कवियों और लेखकों की रचनाओं पर प्रतिबंध पहले भी लगते थे, आज भी लगते हैं। इतिहास का रूप सत्ता पक्ष सुनिश्चित करता है। पाठ्य पुस्तकों का चयन सत्तानुकूल होता है, लेकिन बड़े कवि सत्ता के अनुमोदन के मोहताज नहीं होते। वो न सिर्फ अपने समय को चुनौती देते हैं बल्कि परवर्ती समय को भी चेतावनी देते हैं। यही वजह है कि फैज़ और मुक्तिबोध जैसे कवि प्रासंगिक रहे हैं और हैं। मुक्तिबोध की ये पंक्तियाँ जैसे आज ठोकर मारकर जगाती हैं। भव्याकार भवनों के विवरों में छिप गए, समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थूल, गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जनमन उरशूर, बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास, किराए के विचारों का उद्भास, बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियाँ पुत गई, नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। 40 के दशक में तार सप्तक आ चुका था जिसमें मुक्तिबोध की कविताएं भी शामिल थीं, लेकिन उनके जीवन काल में उनका कोई निजी कविता संकलन नहीं छप सका। मुक्तिबोध को उनकी कीर्ति अपने जीवित रहते नहीं मिली और शायद इसका आभास उन्हें हो गया था, और संभवतः इसीलिए उन्होंने कहा, इस उस जमाने के धसानों में से उमड़ते हैं अंधेरे के मेघ, मैं एक थमा हुआ मात्र आवेग,
रुका हुआ एक जबरदस्त कार्यक्रम, मैं एक स्थगित हुआ अगला अध्याय, अनिवार्य आगे धकेली गई प्रतीक्षित महत्वपूर्ण तिथि, मैं एक शून्य में छटपटाता हुआ उद्देश्य।